पुनरुद्धारक मतलब होता है कि पुनः, यानी कि फिर से, रुद्धारक थोड़े टफ टफ वर्ड है, एक बार में बोलोगे तो अटकोगे, जैसे अभी हम अटक रहे थे। पुनरुद्धारक, ठीक है, पुनरुद्धारक मतलब कि पुन मतलब होता है पुनः, फिर से, रुद्धारक मतलब उद्धारक, यानी कि पुनः उद्धारक, यानी कि जो ब्राह्मण धर्म एक समय वैदिक काल के समय में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा था, वेद वगैरह की रचना हो रही थी, वैदिक नियम के हिसाब से समाज चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल हम देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर जैन और बौद्ध का प्रभाव बढ़ जाता है। तो जैन और बौद्ध का प्रभाव भी क्यों पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में कई प्रकार के कर्मकांड हो जाते हैं, और इस कर्मकांड को किन्होंने खारिज किया, जैन और बौद्ध ने। तो जो बौद्ध और जैन के समय में ब्राह्मण धर्म काफ़ी कमज़ोर हुआ था, अब जाकर के फिर से उत्तर वैदिक काल के बाद के टाइम, यानी कि मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर काल होता है, ध्यान देना, मौर्य काल तक भी तुम देखोगे कि बौद्ध और जैन का प्रभाव अच्छा खासा रहता है। हमने कई सारे शासक के बारे में पढ़ा भी है कि कुछ लोग जैन के अनुयायी थे, कुछ लोग बौद्ध के, ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, पढ़े थे ना, अशोक के बारे में पढ़े, बिंबिसार के बारे में पढ़े। तो उस समय तक तो जैन और बौद्ध का मामला ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मौर्य काल के बाद का जो समय है, जिसको कि पोस्ट मौर्य पीरियड कहते हैं, उत्तर मौर्य काल कहते हैं, वहाँ पर जाकर के ब्राह्मण धर्म का फिर से अपना जोर शोर बढ़ेगा और बौद्धों की हत्याएं करेंगे। ये बात इसमें लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, दिव्यावधान में लिखा हुआ है। देखो, तो निष्कर्ष हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब इतिहास में क्या होता है कि ये इंटरप्रिटेशन का मामला, व्याख्या का बात होता है। अब ये बात सच है कि नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब पुष्यमित्र सुंग का शासन चल रहा था, तो पुष्यमित्र सुंग का शासन के समय जो है विदर्भ से युद्ध हुआ था। विदर्भ का जो क्षेत्र था, जो कि तुम्हारा इधर मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, तो विदर्भ से उस समय उनका युद्ध हुआ था। अच्छा, उस युद्ध में कैसे क्या हुआ था, अच्छा जब ये तुम ध्यान देना कि ये जो यज्ञसेन है, कि यज्ञसेन उस समय वहाँ का शासक होता है, और ये यज्ञसेन शासक कब बना, जिस समय कि पुष्यमित्र सुंग हत्या किया था, किसका, नहीं वृद्रथ का, हाँ, जब ये वृद्रथ की हत्या करता है तो उसी टाइम ये शासक बन गया था। देखा कि वहाँ मौका अच्छा है, उधर पूरा जो है मतलब मगध में पूरा जो है माहौल एकदम अजीब टाइप का है, उथल पुथल का माहौल है, सब लोग, कुछ लोग नाराज है तो कुछ लोग खुश हैं। इसी मौके का फ़ायदा देख करके ये अपने आप को अलग कर लिया, जबकि ये पहले विदर्भ का जो हिस्सा था वो पहले मगध का हिस्सा हुआ करता था। ये अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देगा, सब हक्का बक्का रह जाता है देख करके। अरे यार, मतलब इधर का मौका देख करके अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है। ये यज्ञसेन, वो यज्ञसेन वही है जो एक समय एक मौर्य राजा का, इसका मतलब जो दोस्त था ना, वो मौर्य राजा का कोई मंत्री था, मतलब मौर्यों का जो सभा का काल, जो सभा चलता था उसमें कोई मंत्री था, उसका मित्र था ये, तो रिलेशनशिप अच्छा था, ये मंत्री दोनों के बीच रिलेशनशिप ठीक ठाक था, तो ये उनके कंट्रोल में था उस समय। लेकिन जैसे मौका देखा, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है, ठीक है। इनको निपटाएगा कौन, यज्ञसेन को बाद में जाकर के अग्निमित्र निपटाएगा। ये अग्निमित्र कौन है, अग्निमित्र इनका बेटा है, किनका बेटा, पुष्यगुप्त का, पुष्यमित्र का बेटा है, उसका पुत्र, और ये वही पुष्यगुप्त हैं, ये वही अग्निमित्र हैं जो कि इसी विदर्भ के, विदर्भ में ये राज्यपाल भी रहा करते थे एक समय, जब जो है मतलब कि जब ये जब ये जीते थे पुष्यमित्र गुप्त, सॉरी पुष्यमित्र सुंग कह रहे हैं, पुष्यमित्र सुंग जब जीते थे तो उस समय विदर्भ तो इनका हिस्सा था, विदर्भ तो बाद में जाके अलग होता है ना कुछ समय के बाद, उस समय राज्यपाल जो बनाया गया था वहाँ का विदर्भ का, वो इनका बेटा था अग्निमित्र। अच्छा, जब ये अपने आप को अलग कर लेगा तो ये तो वहाँ से निकल जाएगा, बाद में यही अग्निमित्र जब आएगा तो इसको हराएगा, यज्ञसेन को, यज्ञसेन को हराएगा, और हराने के बाद फिर से जो है अब क्या करेगा, ध्यान देना, अब ये जो विदर्भ था, ये अग्निमित्र की जब हम बात करेंगे तो ये पहले विदिशा का राज्यपाल हुआ करता था, या राज्यपाल, या भी कहीं कहीं पे तुमको शासक भी देखने को मिलेगा विदिशा का, इसका मतलब है कि इसके पास शासन का अनुभव था, शासन का अनुभव था, तो ये क्या करेगा, अग्निमित्र जाएगा और इसको हराएगा, किसको हराएगा, यज्ञसेन को हराएगा। यज्ञसेन को ये पहले भी जान रहा था अपने टाइम में, चूँकि एक बार जा चुका था वहाँ पे, मतलब ये घूमने के लिए विदर्भ भी गया था। तो ध्यान देना कि ये पुष्यमित्र सुंग जो है ये 36 वर्ष का शासन करते हैं, जबकि अग्निमित्र लगभग 8 वर्ष का शासन करते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम फिर पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस यहाँ आएंगे, अंतिम जो रहता था वैसे देख ही लेते हैं लगातार। अग्निमित्र देखो, अग्निमित्र के बाद जो है जो शासन शासक बनेगा वो कौन बनेगा, इसी का मित्र, जिसका नाम क्या है, जेठमित्र, इसका नाम क्या है,
जेठ मित्र का शासन है। अच्छा, इसका अपने मित्र को शासन क्यों कर रहा होगा? क्योंकि जो वसु मित्र जो है ये इसका बेटा भी बहुत छोटा छोटा था, तो उस समय उतने अच्छी स्थिति थी नहीं कि जो है इसको शासक बनाया जाए। तो इसका मित्र जो है जेठा मित्र का शासन हुआ, और जेठा मित्र के बाद किसका फिर शासन है? फिर पुनः इसका मित्र, जिसका नाम क्या है? वसु मित्र। ध्यान देना, वसु मित्र। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। और इस वंश की अगर हम बात करें, सुंग वंश की बात करें, तो इसका अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है। इसका अंतिम शासक कौन है? देवभूति। क्योंकि इसके बाद भी कई सारे राजा रहे होंगे, उनके बारे में हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको तुम शॉर्ट में हम खींचे। अब जो देवभूति है, ये क्या है? उसका अंतिम शासक, और उसी की हत्या कौन करेगा? वसुदेव। और यही वसुदेव आगे जाके के कर्ण वंश का संस्थापक बनेंगे, जो इसके बाद वाला टॉपिक है। तो ये वाला तुम्हारा हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ऊपर भी जो थोड़ा सा रह गया तो उसको देख लेते हैं। अब देखो, ये तो हम बता चुके हैं कि ब्राह्मण धर्म का इनको पुनरुद्धार कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, इसी पुष्यमित्र सोंग के समय में मनुस्मृति की रचना हुई थी, वही मनुस्मृति जिसपे कि आज बहुत विवाद है। अम्बेडकर ने तो इनको सरेआम जलाया भी गया था। इस मनुस्मृति में कुछ चीज़ें अच्छी भी है, तो कई सारी चीज़ें वाहियात वाली बात भी है। जैसे है कि इसमें महिलाओं के बारे में जो उटपटांग जैसे जो कई सारे नियम है वो इसमें बताया गया। तो महिलाओं के बारे में कई सारे उटपटांग जैसे नियम है, ठीक है, मनुस्मृति में। उसके बाद इसी समय में महर्षि पतंजलि, वही पतंजलि जिनके कि रामदेव बहुत प्रचार करते हैं, रामदेव का कंपनी, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि जो है ये उस समय एक किताब लिखे थे, उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है इसका? महाभाष्य, जो कि एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का वो टीका ग्रंथ है। अब देखो, ये टीका ग्रंथ का मतलब होता है टीका टिप्पणी, मतलब किसी और किताब के बेस पर लिखना, उस किताब के बारे में लिखना। तो इन्होंने जो टीका लिखा, जो कमेंट एक्सप्रेस इंग्लिश में कहते हैं इसको, इन्होंने जो वैसे कमेंट्स को इंग्लिश में हिंदी में टिप्पणी कहते हैं, ये टीका टिप्पणी, समझ लो कि टिप्पणी हम कर रहे हैं लेकिन किसी किताब पर, किसी के बातों पर, ठीक है। तो ये जो टीका ग्रंथ है वो किस पर लिखा गया था? अष्टाध्यायी पर। और ये अष्टाध्यायी पर जो लिखा, ये अष्टाध्यायी बहुत पहले लिखा जा चुका था, ये पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। और ये जो जो पाणिनि थे किसके समकालीन थे? महापद्म। याद है, नंदवंश जब पढ़ रहे थे ये उसी टाइम ये किताब लिखा गया था। और अभी जब हम सुंग वंश पढ़ रहे हैं तो उसी किताब के बेस पर जो पतंजलि है वे किताब लिखे हैं, जिसका नाम क्या है? महाभाष्य। तो महाभाष्य जो है एक टीका ग्रंथ है, जो किस पर बेस है? अष्टाध्यायी पर बेस है।